दोस्तों इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट उतनी ज़्यादा पुरानी कार मार्केट नहीं है, लेकिन अगर हम 40, 50 या फिर 60 साल पहले देखें तो इंडिया में बहुत ही कम कार मेकर कंपनी हुआ करती थी। उस टाइम तक इंडिया में मारुति सुजुकी ने भी एंट्री नहीं करी थी और उस टाइम राज हुआ करता था इंडिया में एम्बेसडर जैसी कार का। और अभी के टाइम में इंडिया में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान एम्बेसडर को फर्स्ट मेड इन इंडिया कार बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एम्बेसडर फर्स्ट मेड इन इंडिया सक्सेसफुल कार थी। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इंडिया में अपनी कार को लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट इनमें से फेल हुए हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम एक ऐसी रेयर कार के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन कुछ जगह पर जैसे कि तिरुवनंतपुरम और साउथ में ये कार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद मॉडल 3 की। ये अपने टाइम की एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कार हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान एम्बेसडर जो थी वो इंटरनेशनल कार से इंस्पायर्ड थी, लेकिन इसमें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन किए गए थे। लेकिन यहाँ पर जिस कार की मैं बात कर रहा हूँ अरविंद मॉडल 3 की, वो फुली ओरिजिनल डिजाइन वाली कार है। मतलब पूरी की पूरी कार इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही कैडिलैक से इंस्पायर थी। कैडिलैक अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कार हुआ करती थी, और जो अरविंद मॉडल 3 इंडिया में लॉन्च हुई थी 1966 में, ये कार भी फुली कैडिलैक पर बेस्ड थी। गाड़ी के फ्रंट एंड रियर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लेंथ दी गई थी और देखने में ये कार काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। जब अरविंद मॉडल 3 इंडिया में लॉन्च हुई थी तो 60s से 70s के टाइम में इंडिया में एक कार खरीदना काफ़ी ज़्यादा महंगा काम हुआ करता था, और अरविंद मॉडल 3 को इसी मकसद से लॉन्च किया गया था कि जो लोग कार को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और एक कार लेना चाहते हैं, मतलब मिडिल क्लास बंदे के लिए अरविंद मॉडल 3 को इंडिया में लॉन्च किया गया था। कार को बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा काम किया गया था और इसमें काफ़ी सारी कॉस्ट कटिंग की गई थी। डिज़ाइन भी इसमें अच्छा मेंटेन किया गया था। कार को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें बहुत सारा क्रोम एलिमेंट भी यूज़ किया गया था, लेकिन इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ही ज़्यादा की गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी ये सस्ती भी थी। उस टाइम में ये कार 5,000 रुपये की कीमत में मिल जाया करती थी। इंजन इसमें 1956 फियाट 1100 मॉडल से लिया गया था, और गाड़ी का इंजन भी अच्छा ही था। अरविंद मॉडल 3 एक हैंडमेड कार थी और उस टाइम में इस कार को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि इसमें आपको कहीं भी वेल्डिंग का जॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, और कार को प्रीमियम बनाने के लिए इसमें काफ़ी अच्छा पेंट वर्क और काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई थी इस कार को। कार में अच्छा खासा पोटेंशियल था कि ये एम्बेसडर को टक्कर दे सके, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अरविंद मॉडल 3 इंडिया में एक अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा, क्योंकि गाड़ी की कीमत अभी भी थोड़ी ज़्यादा थी। कार के मेकर ने गवर्नमेंट से अपील की थी कि वो इस मॉडल को और ज़्यादा सस्ता बनाना चाहते हैं और स्केल करना चाहते हैं इस मॉडल को, ताकि ये कार हर बंदे तक पहुंच सके। मतलब कार के मेकर इसे इंडस्ट्री में बनाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्री का लाइसेंस मारुति सुजुकी उद्योग को दे दिया, और अरविंद मॉडल 3 के मेकर को ये लाइसेंस नहीं मिला। अगर इनको भी उस टाइम में ये लाइसेंस मिल जाता तब आज अरविंद मॉडल 3 का भी अपना एक अलग नाम होता, जैसा मारुति सुजुकी का इंडिया में अभी है। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कार के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑटो वाले वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।